good morning students today is the fourth class of our endocrine system today we will discuss about the endocrine glands their hormones and their functions uh, we all know that the endocrine system is made up of the endocrine glands that secrete hormones although there are एट मेजर एंडोक्राइनिक ग्लैंड स्कैटर्ड थ्रू आउट द बॉडी दे आर स्टिल कंसिडर टू बी वन सिस्टम हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे हालांकि बॉडी में बहुत सारी एंडोक्राइनिक ग्लैंड्स हैं टोटल अगर हम देखें तो आठ मेन एंडोक्राइनिक ग्लैंड्स हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती हैं और अलग अलग जगह पर वो ग्लैंड होती हैं पर इन सबको हम एक साथ एक सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं जिन्हें हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं और इन्हें हम एक सिस्टम के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि इन सभी ग्लैंड्स के जो फंक्शंस हैं वो लगभग सिमिलर हैं या जो ये हमारी बॉडी पे असर डालती हैं उसका मैकेनिज़म जो है वो सिमिलर है और एक दूसरे से ये इंटरलेटेड भी हैं इस वजह से हम इन सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं हालांकि कुछ ग्लैंड्स जो हैं वो नॉन एंडोक्राइन रीजन्स भी उनके अंदर पाए जा रहे होते हैं और वो हार्मोन सिक्रीशन के अलावा भी कुछ दूसरे फंक्शंस करते हैं जैसे कि पैनक्रियास पेनक्रियाज एक मेजर एक्सोक्राइन पोर्शन उस ग्लैंड के अंदर पाया जा रहा होता है हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था कि पेनक्रियाज वो ग्लैंड है जो एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह फंक्शन कर रही होती है तो यहाँ हम यही बात कहना चाह रहे हैं कि हम पेनक्रियाज को एक्सोक्राइन ग्लैंड इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसके अंदर एक बड़ा पोर्शन एक्सोक्राइन की तरह एक्ट कर रहा होता है जिसमें वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करता है जबकि पेनक्रियाज का जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो हॉमोन्स को सीक्रेट करता है तो पेनक्रियाज के अंदर दो अलग अलग पोर्शंस पाए जाते हैं दोनों पोर्शंस अलग अलग फंक्शन कर रहे होते हैं एक एक्जोक्राइन पोर्शन है दूसरा एंडोक्राइन पोर्शन है एक्जोक्राइन पोर्शन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट कर रहा है जबकि एंडोक्राइन पोर्शन हॉर्मोन्स को सिक्रीट करता है इसके अलावा ओवरीज और टेस्टिस भी हारमोन्स को सीक्रीट करते हैं और इसके साथ में ओवा और स्पम जो गोनाडल सेल्स हैं उन्हें भी ये सीक्रीट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं आप ये कह सकते हैं भाई ओवरिज और टेस्टेज हॉर्मोन का सिक्रीशन भी करते हैं मतलब ये एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड फंक्शन करते हैं और दूसरा ये ओवा और स्पम जैसी सेल जो कि रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है उन सेल्स का भी ये प्रोडक्शन करते हैं इसके अलावा कुछ ऑर्गन्स जैसे स्टमक इंटेस्टाइन्स और हार्ट ये तीन ऑर्गन्स ऐसे हैं जो कि हॉर्मोन्स का भी प्रोडक्शन करते हैं पर इनका प्राइमरी फंक्शन जो है वो हार्मोन सिक्रीशन नहीं होता इसलिए हम इनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर नहीं पढ़ते हैं ये हार्मोन सिक्रीशन करते हैं पर इसका प्राइमरी फंक्शन हार्मोन सिक्रीशन नहीं है इन तीन ऑर्गन्स का स्टमक इंटेस्टाइन्स और हार्ट तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है इन जो हमने तीन आ, ये जो हमारे मेजर ऑर्गन्स हैं इनका नाम लिया इसके अलावा जो हमने गोनाड्स का नाम लिया ये भी हमने बोला कि भाई सब एंडोक्राइन सिस्टम की तरह भी फंक्शन कर रहे होते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम किडनी लिवर हार्ट और गोनाड्स की हेल्प लेते हैं अपना कुछ एंडोक्राइन फंक्शन करने के लिए इसलिए हम इन ऑर्गन्स को सेकेंडरी एंडोक्राइन ऑर्गन्स कह सकते हैं या हम कह सकते हैं इन ऑर्गन्स का सेकेंडरी एंडोक्राइन फंक्शन होता है जैसे कि किडनी है तो किडनी हॉर्मोन्स को सीक्रीट करती है इराइथ्रोपाइटिन और रैनिन नाम के ये दो हारमोन्स इराइथ्रोपोइटिन और रैनिन नाम के हार्मोन्स जो हैं वो किडनी के थ्रू सीक्रेट होते हैं तो किडनी जो है आप जानते हैं ये एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि बॉडी में एक्सक्रीशन में काम आ रहा है यूरिन प्रोडक्शन में यूरिन फॉर्मेशन में काम आ रहा होता है पर ये थोड़ा बहुत एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह भी या एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी फंक्शन करता है क्योंकि ये इराइथ्रोपोइटिन और रैनिन नाम के हार्मोन को सीक्रेट करता है तो ये तो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा इनके बारे में जो ऑर्गन्स अलग हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर जिनको हम नहीं पढ़ रहे हैं इसके अलावा हमने कहा भाई हम थोड़ा बहुत फंक्शंस में पढ़ेंगे तो फंक्शंस में जैसे आप जानते हैं कि थायराइड बहुत सारे हॉर्मोन्स को हमारी पूरी बॉडी के अंदर सिक्रीट कर रहा होता है और उन हारमोन्स का हमारी पूरी बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर भी हो रहा होता है वो इफ़ेक्ट करता है हमारी पूरी बॉडी को जैसे थाइरोड हॉर्म्स इम्पैक्ट अ होस्ट ऑफ वाइटल बॉडी फंक्शंस इंक्लूडिंग हार्ट रेट स्किन मेंटेनेंस ग्रोथ टेम्परेचर रेगुलेशन फर्टिलिटी एंड डाइजेशन ये बात डॉक्टर जैराम ने कही थी जो कि मेडिसिन के प्रोफेसर है क्या कहा डॉक्टर जराम ने उन्होंने कहा थायर हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी के बहुत सारे वाइटल फंक्शंस के अंदर रोल प्ले कर रहा होता है जैसे ये हार्ट रेट को मेंटेन करने का काम कर रहा होता है स्किन को भी एकदम सही कंडीशन में, में मेंटेन रखता है हमारी ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है टेम्परेचर को रेगुलेट करता है फर्टिलिटी भी कुछ हद तक इस हार्मोन से जुड़ी हुई है और डाइजेशन का फंक्शन भी ये हार्मोन करता है तो ये अलग फंक्शंस भी इनके देखने को मिल रहे होते हैं तो हम कह सकते हैं इन दिस वे द थारोड ग्लैंड इज द बॉडीज मास्टर मेटाबॉलिक कंट्रोल सेंटर भाई जब हमने ये देखा कि थाइरयड हार्मोन लगभग सभी तरह के फंक्शन कर रहा है कि ये हार्ट रेट को मेंटेन कर रहा है स्किन को मेंटेन कर रहा है ग्रोथ भी करवा रहा है टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है डाइजेशन के प्रोसेस को करवा रहा है तो हम कह सकते हैं ना कि ये फिर हमारे बॉडी की एक मास्टर मेटाबॉलिक कंट्रोल सेंटर है हमारे बॉडी का थायरड ग्लैंड क्योंकि हमारे इतने सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को ये रेगुलेट कर रहा है और ये मास्टर मेटाबॉलिक कंट्रोल सेंटर होता है ये बात क्लांडी सैमिट ने कही थी जो कि केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और उन्होंने बताया कि भाई ब्रेन हार्ट किडनी फंक्शन एज वेल एज़ बॉडी टेम्परेचर ग्रोथ एंड मसल स्ट्रेंथ एंड मच मोर आर एट द मर्सी ऑफ थायरॉयड फंक्शन मतलब थायरोयड फंक्शन की ही मेहरबानी से हमारा जो ब्रेन है हार्ट है और किडनी है वो बहुत अच्छे से अपना फंक्शन कर पाते हैं और इन ऑर्गन्स के अलावा हमारी बॉडी का टेम्परेचर बॉडी की ग्रोथ हमारे मसल्स की स्ट्रेंथ और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो थायराइड हार्मोन जो है वो रेगुलेट करता है तो ये इसलिए हमने इस थायराइड को पढ़ा इस थायराइड ग्लैंड को हमने अलग से इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये इतने सारे फंक्शन करता है हालांकि हम इस ग्लैंड को आगे जब एंडोक्राइन सभी ग्लैंड्स पढ़ेंगे सीक्वेंस वाइज तो उसके अंदर इन चीज़ों को हम वापस से पढ़ेंगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे पर हम एक जनरल अगर अब बात करें कि क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हॉर्मोन्स हैं और क्या उनके फंक्शंस हैं तो उनको हमने इस चीज़ इस इन तीन चार स्लाइड्स के अंदर शॉर्ट में देखा कि ये ये इनके फंक्शंस होते हैं अब हम आते हैं हमारी जो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके ऊपर अब हम सभी ग्लैंड्स को इंडिविजुअली पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी हमारे अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं वो कैसे एक्ट करती हैं ऑफ एक्शन क्या है कौन कौन से बॉडी पार्ट को बॉडी ऑर्गन को अफेक्ट करती हैं या कैसे वो हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट करती हैं तो हम ये अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे तो यहाँ अब हमारी सबसे पहली ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है हमारे बॉडी की तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है पिट्यूट्री ग्लैंड की तो पिट्यूटरी ग्लैंड को आप जानते हैं हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस इट इज़ अ स्मॉल ग्लैंड अबाउट वन सेंटीमीटर इन डायामीटर और द साइज ऑफ पी मटर के आकार की ये ग्लैंड एक छोटी सी ग्लैंड हमारी बॉडी में पाई जाती है लगभग एक सेंटीमीटर का ही इसका डायमीटर होता है इट इज नियरली सराउंडेड बाय बोन एज इट रेस्ट इन द सेलर टूरिकिशा सेलर टर्सिका सेला टर्सिका क्या है हमारे स्फिनॉइड बोन के अंदर एक डिप्रेशन पाया जाता है जिसे हम सेला टर्सिका कहते हैं ये टर्सिका के अंदर पाई जाती है ये पिट्यूटरी ग्लैंड इसलिए इसके चारों तरफ बोन जो है वो देखने को मिल रही होती है मतलब दिस बोन इज सराउंडेड, सॉरी दिस ग्लैंड इज सराउंडेड बाय अ बोन द ग्लैंड इज कनेक्टेड टू द हाइपोथैलमस ऑफ द ब्रेन बाय सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड द इस ग्लैंड के साथ में हाइपोथैलेमस जुड़ा हुआ रहता है ब्रेन का जो पार्ट है हाइपोथैलेमस वो इस ग्लैंड के साथ में जुड़ा हुआ भी रहता है और उसको जोड़ने के लिए एक स्टॉक एक डंडी जैसी जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम कहते हैं इनफनडिबुलम ये सिलेंडर शेप की होती है मतलब एक छड़नुमा आप कह सकते हैं ऐसी स्ट्रक्चर है स्टॉक है ये जो कि ब्रेन के हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड से जोड़े हुए रखता है जिसे हम इनफनडिबुलम कहते हैं आप इस नेक्स्ट uh, डायग्राम के अंदर देख सकते हैं आपको ग्लैंड uh, जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाई दे रही है और uh, ये पिट्यूटरी ग्लैंड ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर है जो हाइपोथैलेमस दिखाया गया है उससे नीचे लटकती हुई जो गोल पार्ट है स्पेरिकल पार्ट है वो तो पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये जिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है उसे हम इनफंडेबुलम कहते हैं और आपको डायग्राम में ही दिखाई दे रहा है कि पिट्यूट्री ग्लैंड के दो पार्ट्स हैं एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये आपको इस डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है और वीनस ब्लड इससे कैसे जुड़ा हुआ है आर्टीरियल ब्लड कैसे जुड़ा हुआ है वो भी आपको इस डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है एंडोक्राइन सेल भी आपको दिखाई दे रही है और कैसे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो भी आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है अब हम थोड़ा सा अगर आगे पढ़ें इसके बारे में तो जैसा हमने डायग्राम में देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स हैं एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब एंटीरियर लोब को हम एडिनो एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ये चीज़ पढ़ रहे हैं कि एंटीरियर लोब को हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं जबकि पोस्टीरियर लोब का नाम दूसरा नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हॉर्मोन्स विच कम फ्रॉम द हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस से जो हॉर्मोन आ रहा है वो अपना असर एडिनो हाइपोफाइसिस के ऊपर यानी एंटीरियर लोब के ऊपर अपना असर दिखा रहा होता है जो कि आपको प्रीवियस स्लाइड के अंदर भी दिखाया गया था कि हाइपोथैलेमस से हॉर्मोन रिलीज होकर के आ रहा है और एंटीरियर पिट्यूट्री के ऊपर अपना असर दिखा रहा है नाउ द न्यूरोहाइपोफाइसिस विच इज ऑल्सो नोन पोस्टियर लोब इज इंफ्लुंस्ड बाय न्यूरॉन्स विच कन्वे हॉर्मोन्स डायरेक्टली फ्रॉम हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई फॉर स्टोरेज ऑफ पोस्टिअर लोब तो जो न्यूरो न्यूरोहाइपोफाइसिस है नाम से भी पता चल रहा है कि ओवैस ये न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है तो ये हार्मोन को कन्वे करता है हाइपोथैलमिक न्यूक्लियाई से जो निकल रहा है हार्मोन उसको डायरेक्टली कन्वे कर रहा होता है और वो जाकर के सीधा हार्मोन पोस्टीर लोब में स्टोर हो जाता है स्टोरेज के लिए जो हॉर्मोन है वो जा रहा है न्यूरोहाइपोफाइसिस रीजन के अंदर और यह हार्मोन रिलीज हो रहा है हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई से हार्मोन निकला डायरेक्ट गया और पोस्टर लोब के अंदर जा कर के स्टोर हो गया तो हमने देखा कि जो पिट्यूट्री है हमारे पिट्यूट्री ग्लैंड इसके दो पार्ट हैं एंटीरियर लोब पोस्टीरियर लोब एंटीरियर लोब जो है वो हार्मोन से इन्फ्लुएंस्ड होती है उस हार्मोन से जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होकर के डायरेक्ट एंटीरियर लोब में आ रहा है जबकि पोस्टीरियर लोब जिसे हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं वो न्यूरॉन से इन्फ्लुएंस होती है और हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई से रिलीज होने वाले हॉर्मोन डायरेक्ट इस पोस्टीरियर लोब में आकर के स्टोर हो जाते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं कि कौन कौन से हॉर्मोन्स जो हैं वो रिलीज हो रहे होते हैं एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब से और उससे पहले हम एक चीज और देख लें कि इन दोनों लोब्स के बीच में भी एक इंटरमीडिएट लोब पाई जा रही होती है एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब के बीच में इंटरमीडिएट लोब पाई जा रही होती है जिससे कि हार्मोन रिलीज होता है एम एस एच अब एंटीरियर लोब से रिलीज होने वाले सिक्स हॉर्मोन्स हैं ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिम्यूलेटिंग हॉर्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये छह हार्मोन हैं ग्रोथ हॉर्मोन जिसे हम जी एच भी कहते हैं सेकेंड है प्रोलैक्टिन, दूसरा थर्ड स्टिम्यूलेटिंग हारमोन जिसे हम टी एस एच कहते हैं नेक्स्ट है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ए कहलाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफ एस एच ल्यूटीनाइजिंग हारमोन एल ये छह हार्मोन्स एंटीरियर लोब से रिलीज हो रहे हैं इसके बाद इंटरमीडिएट लोब जो एंटीरियर पोस्टर को जोड़ती है जिसके अंदर से मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एम रिलीज होता है इसके दो टाइप्स हैं ए एंड बी इसलिए हम इसको ए एंड बी एम भी कहते हैं थर्ड लोब है पोस्टर लोब जिससे दो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं वैशोप्रसन और ऑक्सीटोसन वैसोप्रसन को हम ए भी कहते हैं अब ये डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है वही वो हाइपोथैलेमस के रीजन के दो रीजन दिखाए गए हैं हाइपोथैलेमस के अंदर जिसको अपन हाइपोथैलमिक न्यूरॉन्स भी कह रहे हैं ये न्यूरॉन्स जो हैं वो पोस्टरपेट्यूट्री से जुड़े हुए हैं और एंटीरियर पिट्यूट्री में तो सर्कुलेशन के थ्रू हार्मोन वग़ैरह जा रहे हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं अब ये जो हमने हारमोन्स अभी पढ़े एंटीरियर पिट्यूटरी के पोस्टर पिट्यूटरी के इन हार्मोन्स को हम थोड़ा डिटेल में अब पढ़ेंगे कि एक हारमोन्स किससे बने हुए हैं किससे कैसे रिलीज़ हो रहे हैं क्या एक्शन दिखा रहे हैं क्या क्या इनका फंक्शन है हमारी बॉडी को या बॉडी की मैकेनिज्म को एक्शन को कैसे ये इन्फ्लुएंस करते हैं ये चीज़ हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर तो आज के लिए इतना काफ़ी है आप यहाँ तक पढ़ें अगर कोई भी डाउट हो तो आप अपने क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू क्लास थैंक यू सो मच